हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जीके जीएसएस को और एक घंटा वाला बटन दबाइए जिससे हमारी हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हेलो फ्रेंड्स, आपको आज हम अपने इस वीडियो में यूजीसी नेट परीक्षा जून 2014 राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बताएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। पहला प्रश्न है, कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ क्या है? तो कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा सिक्कों का निरीक्षक है। विकल्प इसमें सी सही है आपका। उसके बाद है नंबर दो, प्लेटो ने इनके विचारों को लिया था? तो हेराक्लिटिस, पारमेनिडीज और सुकरात, इन तीनों के विचारों को लिया था। तो इसमें सभी सही हैं, इनमें से सभी सही हैं आपका। तीसरा प्रश्न है, किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है? हॉब्स, विकल्प बी में सही है। आगे है, रूसो ने एकेडमी ऑफ डिजोन द्वारा वर्ष 1749 में प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में इस विषय पर पुरस्कार पाया था, इस पर पाया था क्या? विज्ञान और कला में प्रगति ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है? तो इसमें आपका विकल्प ए सही है। आगे है पांचवा नंबर प्रश्न, आपको कथन और कारण दिया गया, बताना कौन सा सही है। प्लेटो के लिए ज्ञान ना तो प्रत्यक्ष ज्ञान ही है ना ही राय है। और दूसरा है, सही मत या राय ज्ञान है। तो इनमें से इनमें जो है आपका, प्लेटो के लिए ज्ञान ना तो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना ही राय है, ये सही है। बाकी दूसरा आठ जो है गलत है, इसलिए आपका इसमें विकल्प सी सही होगा। छह नंबर प्रश्न है, मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम इन्हें समाविष्ट नहीं करते हैं? डी है सही। इसमें द्वंद्वात्मक पद्धति अपने प्रचालन को केवल भूतकाल की समझ तक सीमित करती है, तो विकल्प डी इसमें आपका सही है। आगे है, या किसने कहा है कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है? इसको स्टालिन ने कहा था, विकल्प सी सही है। डेविड स्टेन के द्वारा समर्थित व्यवहारवाद के सिद्धांतों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें नियमितताएं, फिर उसके बाद है सत्यापन, फिर मात्रीकरण, तकनीकें, फिर मात्रीकरण। तो इसमें विकल्प बी आपका जो है वो सही है। आगे नौ नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान में गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था? तो जोहान्सबर्ग में, विकल्प बी इसमें सही है। आगे आपको 10 नंबर में सुमेलित करना है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। इसमें आप देखिए, चार्ल्स ई मरियम जो है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स और हैंज यूला जो है ये रिलेटेड हैं दी बिहेवियरल परसुएशन एंड इन पॉलिटिक्स, और लियो स्ट्रास जो है व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी एंड अदर स्टडीज, और डी ट्रूमैन जो है दी गवर्नमेंटल प्रोसेस से रिलेटेड हैं। इसमें आपका विकल्प ए सही है। आगे है 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतः दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है? तो प्लेटो एवं अरस्तु को दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है, विकल्प ए सही है। 12वां है, बेबर के आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो निर्वैयक्तिकता और पदानुक्रम, ये इनकी विशेषता थी बेबर के आदर्श नौकरशाही की, विकल्प बी सही है। आगे है 13 नंबर, राजनीतिक संस्कृतियों के बारे में अलवंड तथा बारवा के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? आनुभाविक उन्मुखीकरण नहीं आता है, तो विकल्प डी इसमें सही है। 14 नंबर प्रश्न है, आपको कथन और कारण दिया गया, बताना कौन सा इसमें सही है। प्रसृतक अर्थव्यवस्थाओं, वह जो दूसरों को प्रभावित करती हैं और वह जो दूसरों द्वारा प्रभावित होती हैं के समूहों के बीच एक प्रकार का संबंध होता है, सही है। पराश्रितता अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के मूल भाग परिधीय संबंध पर निर्भर करती है, ये भी सही है। इसमें जो है आपका विकल्प ए इसमें सही होगा। 15 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि राज मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है? मैक्स वेबर ने कहा है। तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक उपागमों में ने इसकी
उपेक्षा की है, अनुभागिक जांच पड़ताल की उपेक्षा की है, विकल्प डी सही है। आगे आपको सुमेलित करना है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये भारत से संबंधित है। उसके बाद है टू राउंड्स ऑफ सिस्टम, मिस्र से। लिस्ट सिस्टम, ब्राज़ील से। सिंगल ट्रांसफरेबल ओट सिस्टम, आयरलैंड से संबंधित है। इसमें आपका विकल्प जो है ए सही होगा। उसके बाद आपका 18वां प्रश्न है, सुमेलित करना है। इसमें भी आपको पहला जो है इंटरेस्ट ग्रुप्स इन अमेरिकन सोसाइटी, ये संबंधित है एच जिगलर से। फिर इंटरेस्ट ग्रुप्स ऑफ फोर कॉन्टिनेंट्स, ये संबंधित है एच डब्ल्यू अहरमान से। फिर अनोनिमस एम्पायर, ये संबंधित है आपका शेमूल फाइनर से। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ग्राहम वोलास से संबंधित है। इसमें आपका जो विकल्प होगा वो डी सही होगा। विकल्प डी में आपका डी सही है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपागम अन्य के साथ साथ लोकमत और लोगों के राजनीतिक विकल्पों का अध्ययन करता है। तो व्यवहार परक उपागम इसमें सही होगा आपका, विकल्प सी सही है। उसके बाद है सुमेलित करना है आपको, राजनीतिक संस्कृति और देश किससे संबंधित कौन सा है। तो समरूप संस्कृतियाँ जो है वो यूके से संबंधित है। उसके बाद है अभिजात वर्ग जन संस्कृति, भारत से संबंधित है। और फिर सब्जेक्ट राजनीतिक संस्कृति, ये चीन से संबंधित है। संकेत संस्कृत युगांडा से संबंधित है। इसमें आपका जो है विकल्प बी सही होगा। उसके बाद है 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो संजीव रेड्डी, बी डी जत्ती, ये सही नहीं है, विकल्प सी इसमें सही नहीं है, बाकी सही है सभी। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान द्वारा निर्धारित प्रतिशत क्या है। तो 15% है, विकल्प सी सही है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुख्य जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। दिलीप सिंह भूरिया समिति संबंधित है। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित याचिकाओं को भारतीय संविधान में दिए गए क्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। इसमें देखिए आपका दिया गया है कि उत्प्रेषण, सर्टियरी, हैवियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद है क्यों वारंटो, किस अधिकार से, मेंडमेंस, परमादेश। हम आपको बता दे रहे हैं इसमें पांच विकल्प नहीं दिया गया, चार ही विकल्प दिया गया। हम बता दे रहे हैं कि कैसे क्रम से होगा, हम लिख के आपको इसमें बता दे रहे हैं। इसमें जो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रथम पे रहेगा, फिर परमादेश रहेगा, फिर प्रतिषेध, फिर अधिकार परीक्षा, उसके बाद उत्प्रेषण, ये इसका क्रम है। आगे 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को उसके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो इसमें सबसे पहले रहेगा मार्लो मिंटो सुधार, फिर 2 नंबर रहेगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मार्लो मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है 1919, साइमन कमीशन उसके बाद है, साइमन कमीशन 1928, क्रिप्स मिशन 1942। तो इसमें आपका बी विकल्प सही होगा। 26 नंबर में आपको सुमेलित करना है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अम्ब्रेला पार्टी, फिर तेलुगु देशम पार्टी जो है वो संबंधित है क्षेत्रीय पार्टी, केरल कांग्रेस ये संबंधित है राज्य पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी या मार्क्सवादी पार्टी जो संबंधित है वो है राष्ट्रीय पार्टी से संबंधित है। तो इसमें आपका जो है विकल्प सी सही होगा। आगे है 27 नंबर, कांग्रेस द्वारा किसकी अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशजनक मानकर निंदा की गई थी। तो ये विकल्प बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 है, इसमें ये विकल्प बी इसमें सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 इसमें दिया गया, इसमें भी देख लीजिएगा 1918 ही रहेगा। 26 नंबर प्रश्न उसमें, 25 नंबर प्रश्न पे। फिर आगे है 28 नंबर प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए, कथन और कारण आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें जो कथन दिया गया है, संघात्मक व्यवस्थापन का लक्ष्य एकता और राजनीतिक संस्कृतियों तथा पहचानों की विविधता के साथ स्वतंत्रता का प्रभावशील सामूहिक कार्रवाई के साथ सामंजस्य करना है। उसके बाद कारण है, भारत ने राष्ट्र निर्माण के बहुलवादी प्रारूप को चुना, जिसमें विकल्प आपका
ये सही है। आगे है 29 नंबर प्रश्न, कथन और कारण है। भारतीय संविधान के काफ़ी प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपनाए गए हैं, ये आपका सही है। कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान के आधार के रूप में मानने का प्रस्ताव पारित किया था, तो ये गलत है। तो आपका इसमें विकल्प सी सही होगा, आपको इसमें सुमेलित करना है। तो ये जो 359, इसमें जो 359 है मौलिक अधिकारों का स्थगन से संबंधित है, 312 जो है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, उसके बाद 280 वित्त आयोग से संबंधित है, और लास्ट जो है 360 वित्तीय आपातकालीन स्थिति से संबंधित है। इसमें आपका जो है विकल्प ए सही होगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन की 18 परिभाषाएं प्रतिपादित की और उन्हें राजनीतिक, कानून, व्यवसायिक तथा प्रबंधकीय के चार वर्गों में रखा है। इसमें जो है आपका विकल्प बी सेफ्रेटरी एवं रसल ने, ये सही है, विकल्प बी इसमें आपका सही है। आगे सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर निम्नलिखित में से किसने नहीं किया है, हेनरी फ्योल ने नहीं किया है, विकल्प ए सही है। फिर उसके बाद 33 नंबर, निम्नलिखित रिपोर्टों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है, इसमें आपको बताना है। तो एडी गोरवाला रिपोर्ट, फिर पॉलिस एपलब्बी रिपोर्ट, संथानम समिति की रिपोर्ट, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, ये क्रम से हैं, तो विकल्प ए इसमें आपका सही है। आगे 34 नंबर प्रश्न है, मैक्स वेबर ने किसका संकेत करने के लिए ग्रीक शब्द करिश्मा का उपयोग किया है, इसमें आपका अधिदैविक गुण, अतिमानवीय गुण का करने के लिए करिश्मा शब्द का प्रयोग किया है, विकल्प डी इसमें आपका सही है। 35 नंबर आपका है, निम्नलिखित में से किस संगठन में से संगठन का आधार कौन सा नहीं है, बजटन, विकल्प बी इसमें आपका सही है, बजटन। 36 नंबर है, भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें ए कानून की अनुमति को छोड़कर अन्य के द्वारा कर लगाया जा सकता है, विकल्प ए इसमें आपका सही है। 37 नंबर प्रश्न में आपको सुमेलित करना है, इसमें सुमेलित करने कहा गया है, इस सोपानिक या पदानुक्रम किससे संबंधित है, सोपानिक या पदानुक्रम सोपान प्रक्रिया संबंधित है, लोक प्रशासन पर रिपोर्ट 1951 ये संबंधित है, एडी गोरवाला रिपोर्ट से, और उसके बाद है भारतीय सिविल सेवा में प्रारंभिक छटाई परीक्षा, ये संबंधित है डॉक्टर के एम कोठारी से, सहायक एजेंसी जो है ये हाउस कीपिंग से संबंधित है, इसमें आपका जो है विकल्प सी सही होगा। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, विकल्प डी सही है इसमें। उसके बाद नीचे कथन और कारण दिए गए, आपको बताना कौन सा सही है। इस पायलस सिस्टम के अंतर्गत चुनाव में जीती पार्टी के सदस्यों को सार्वजनिक पद वितरित किए जाते हैं, सार्वजनिक पदों को विजेताओं द्वारा आनंद लेने वाले इस पायलस समझा जाता है, इसमें आपका विकल्प ए सही है। 40 नंबर प्रश्न है, लोक प्रशासन के अव्याज विचार का के समर्थक निम्नलिखित में से कौन से हैं, हेनरी फेल और मार्शल डिमार्क, ये दोनों ही हैं, विकल्प सी इसमें आपका सही है। 41 नंबर प्रश्न में आपको सुमेलित करना है, लेखक और पुस्तक के नाम उनके दिए गए हैं, तो इसमें ईएच कार जो है ये हैं द 20 ईयर क्राइसिस, और आर की होन जो है ये संबंधित है न्योरियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स, और जे मर्सी मियर ये संबंधित है आपके द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, एफ जकारिये जो संबंधित है फ्रॉम वेल्थ टू पावर, इससे ये रिलेटेड है, तो विकल्प इसमें आपका सी सही होगा। आगे है 42 नंबर प्रश्न, कथन और कारण दिए गए हैं, वैश्वीकरण बहुआयामी प्रक्रिया है और इसका कारण जो बताया गया है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण इसमें समाविष्ट हैं, तो विकल्प इसमें ए आपका सही होगा। 43 नंबर प्रश्न है, जब दो लड़ाकू योद्धा अपने चरित्र में और तुलनात्मक सामरिक लाभ के अपने क्षेत्र में इतने भिन्न हैं कि उनके बीच मुकाबला एक पक्ष की योग्यता को दूसरे पक्ष को अपने खुद की शर्तों पर लड़ने के लिए विवश करने लगता है, तो इस युद्ध के प्रकार का नाम बताइए, अस्मित युद्ध, विकल्प बी जो है इसमें सही है। उसके बाद
44 नंबर प्रश्न है, गाजा संघर्ष 2009 रिपोर्ट पर यूएन तथ्य खोजी मिशन का नाम बताइए, गोल्ड स्टोन रिपोर्ट। विकल्प 20 में आपका सही है। यूएन सुरक्षा परिषद किस अध्याय और अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा देखने पर वाद विवाद की शर्तों के अंतर्गत शांतिपूर्वक निपटारा करने के लिए सर्वप्रथम तरीकों की खोज करती है? तो है अनुच्छेद 42 अध्याय 7, विकल्प डी सही है इसमें। 46 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधुनिक संस्थान का सही विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इसमें जो है सहमति और कानूनी उत्तर कानूनी दायित्व, तो भाषा और औचित्य का प्रयोग, सांस्थानिक स्वायत्तता की वार्ता। इसमें आपका विकल्प डी जो है वो सही होगा, 2, 3, 4 सही है। 47 नंबर प्रश्न है, कोपेनहेगन सी कॉप 15 के रूप में सुप्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का संबंध किस मुद्दे से है? तो जलवायु परिवर्तन से, विकल्प 20 में आपका सही है। 48 नंबर में आपको सुमेलित करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स OAS, ये संबंधित है आपका 1948 से। नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा, ये आपका संबंधित है 1994 से। अरब मगरेब यूनियन AMU, ये संबंधित है 1989 से। और साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो, SEATO, सीटो जो संबंधित है ये 1954 से संबंधित है। तो इसमें आपका जो है विकल्प भी सही होगा। आगे है कथन और कारण, आपको बताना कौन सा सही है। तो कथन है, भारत दक्षिण एशिया में सकारात्मक असमरूपता का अनुसरण कर रहा है, भारत को चीन पाकिस्तान एकजुटता द्वारा सामरिक रूप से निरोधित रखा जा रहा है। तो इसमें दोनों ही सही, लेकिन जो है आर एक्स की सही व्याख्या नहीं है, विकल्प 20 में आपका सही है। 50 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान या आर्मस प्रोक्योरमेंट एंड मिलिट्री बिल्डअप 1979 से 99 इन सर्च ऑफ पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ओएसा सिद्दीका अदा, ये इसके लेखक हैं, विकल्प सी इसमें सही है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।